उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीवन का सार समझा देने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन है। भारत देश के राष्ट्रपिता के नाम से पूरे देश में विख्यात महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। बच्चों की किताबों से लेकर बड़ों के आदर्श तक हर जगह उनकी छवि छलकती है। देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी पहले इंसान थे जिन्होंने अहिंसा की ही मदद से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के कई आंदोलन किए। देश के लिए अपनी जान देने को वे हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन किसी और को क्षति पहुंचाना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। गांधी जयंती के मौके पर सरकार और गांधीवादी संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सफाई से लेकर अहिंसा के पाठ तक लोग अलग अलग तरीके से बापू को याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अपने जन्मदिन के दिन गांधी क्या करते थे और कैसे अपना जन्मदिन मनाते थे? नहीं ना, आइए आपको इस बात की पूरी जानकारी देते हैं। गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही के मुताबिक ये उनके लिए एक गंभीर दिन होता था। इस दिन वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे, चरखा चलाते थे और ज्यादातर समय मौन रहते थे। किसी भी महत्वपूर्ण दिन को वे इसी तरह मनाते थे, लेकिन सरकार आज गांधी जयंती पर तरह तरह के समारोह आयोजित कर रही है। चारों तरफ हंगामा है। आइए आपको उनके जन्म दिवस के मौके पर महात्मा गांधी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत और भूगोल में कमजोर छात्र थे। उनकी हैंडराइटिंग बेहद सुंदर थी। महान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन बापू से खासे प्रभावित थे। आइंस्टीन ने कहा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि कभी ऐसा इंसान भी इस धरती पर आया था। वे कभी अमेरिका नहीं गए और ना ही कभी प्लेन में बैठे। उन्हें अपनी फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वकालत करने लगे तो वे अपना पहला केस हार गए थे। वे अपने नकली दांत अपनी धोती में बांध कर रखा करते थे, केवल खाना खाते वक्त ही इनको लगाया करते थे। उनकी शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। उन्हें 5 बार नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। श्रवण कुमार की कहानी और हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। राम के नाम से उन्हें इतना प्रेम था कि अपने मरने के आखिरी क्षण में भी उनका आखिरी शब्द राम ही था। साल 1930 में उन्हें अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बाद में लोग उन्हें बापू कहकर बुलाने लगे और बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरा देश महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कामों को कभी नहीं भूल पाएगा। देश में आज भी कई लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। न्यूज इंडिया से साक्षी आनंद की खास रिपोर्ट।